अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यार मैंने एक लिंक लगाया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो ज़रा प्लीज़ जल्दी से जाके, ये मेरा ही चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ये वाली वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो प्लीज़ उसके 1000 सब्सक्राइबर कर दो ना यार, तकरीबन 300 तो हो गए, 700 और चाहिए मुझे लगता है आज की तारीख में तो हो जाएंगे यार, इतना भरोसा है मुझे आप पर। तो प्लीज़ यार वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैं किसी और का लिंक नहीं लगा सकती हूँ, वैसे शॉर्ट आउट दे सकती हूँ पर मैं लिंक नहीं लगा सकती हूँ अभी, तो थोड़ी ऐसे लग रहा है मतलब यूट्यूब की सारी नज़र जो है ना वो मेरे ऊपर ही जमी हुई है, तो इस वजह से थोड़ा खतरे में चैनल चल रहा है ना ये महामीर वाला, तो इसलिए वो वाले चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर लो प्लीज़ यार, शेयर भी कर दो ताकि और लोग भी कर दें यार प्लीज़, इतना सा छोटा सा एक काम कर दो प्लीज़। और ना अभी बात करते हैं जी छोटी मैडम की शादी की, क्योंकि बड़े सुनने में आ रहा है कि भैया दूसरी शादी की बात हो रही है। आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी होंगी जिन लोगों ने ये बोला है कि दूसरी शादी, पर मुझसे भी बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने वहाँ से ये बात को क्लियर नहीं किया, क्या इसकी सच में दूसरी शादी हो गई है या इसने छुपके से दूसरी शादी कर ली है। तो मैंने कहा कि आज जो है ना ये दो बातों को हम क्लियर कर देते हैं, एक तो इसकी छोटी मैडम की दूसरी शादी और दूसरा कि वही उनकी दुल्हन है कौन भैया, वो वाली बात भी जो है ना हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले करते हैं जी छोटी मैडम की शादी की बात, कि इन्होंने दूसरी शादी की या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो जो छोटा मोटा लोटा है ना, हाँ तो समझ रहे हैं लोग कि शायद उसी के साथ जो है वो शादी वादी कर ली है छुप छुपा कर। तो जी मैं आप लोगों को बताऊं, देखो अभी ये वाली बात का ना मैं सच्ची बात बोलूँगी, क्योंकि ऐसा झूठ बोल के मेरे को बात करनी आती नहीं और ना ही घुमा फिरा के बात करनी आती है, ठीक है ना। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ और जो मैं बोलती हूँ ना, वो ज़बान ज़रूर मेरी हिलती है और सामने ज़रूर मैं आती हूँ, पर वो अल्फाज जो हैं वो आप में से ही मेरे किसी ना किसी बहन भाई के होते हैं। जो लोग मुझे बोलते हैं कि महाशीष ये वाली पॉइंट आपने ये नोट किया, ये वाली बात नोट करी, ये ऐसा हुआ वैसा, मैं ख़ुद भी उनकी वीडियो देखती हूँ और मैं खुद भी पॉइंट आउट करके जो है उसके ऊपर बात करती हूँ, पर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की आवाज़ बनी रहूँ, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी ये बात बोली है कि मैं वीडियो ज़रूर बना रही हूँ पर मैं आवाज़ आप लोगों की हूँ, आप लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना मैंने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि मैं अब ये वीडियोज़ इन लोगों के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, पर आप सब बहन भाइयों ने बोला कि नहीं महाशीष आप वीडियो इन पर बनाइए, तो मैंने कंटिन्यू ये अभी तक रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गई बात। अब दूसरी बात कि इसकी शादी की बात पर आते हैं, तो देखो मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसी बात आई नहीं है, जब मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ बात आ जाएगी या फिर ऐसी कोई सॉलिड वाली बात होगी ना कि हाँ यार ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो गई है, तो वो बात मैं करती भी यहाँ पे अच्छी लगूंगी। अब ऐसे हवाओं में तीर छोड़ना वो नहीं आता, सच में मेरा निशाना बड़ा गंदा निशाना है, मतलब लगता ही नहीं निशाने पर, तो इसलिए मैं हवाओं में तीर छोड़ती ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मतलब बात करे बंदा तो मतलब पक्की सॉलिड वाली बात करे, वरना तो मैं कहती हूँ चुप होके बैठ जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इसकी शादी को लेकर ना ऐसी बात आई नहीं है, पर वही बात है कि बहुत ज़्यादा ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि यार इसने सेकंड शादी कर ली और उसी मोटे लोटे के साथ करी है, पर मुझे नहीं लगता कि उसके साथ इसने शादी करी होगी। हाँ वो इनके घर में रहता है, उनके घर में आना जाना, उसके साथ घूमना फिरना, ये वाला सीन इनका चल रहा है, पर एक तो वो मुझे छोटा दिखता है इससे, पता नहीं क्यों, आप लोगों को भी लगता ही होगा कि वो एज डिफरेंस मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है दोनों में ना, तो वो वाला सीन है। और दूसरा ऐसे में किसी लड़के को या किसी लड़की को ये बात के ऊपर मतलब वो नहीं कर सकती कि ब्लेम नहीं दे सकती इन्होंने शादी कर ली, क्योंकि ऐसी किसी जिसने ये वीडियो बनाई है शादी को लेके उनको बोलो कोई कहाँ पे देखा या कहाँ पर आपके पास प्रूफ आया तो वो दिखाओ ज़रा शादी का, है ना, तो वो किसी के पास भी नहीं होगा, गोलमोल घुमा देंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं ऐसी बात करूँ ही ना शादी को लेकर, क्योंकि अगर ये शादी कर ली है तो सबसे बड़ी बात इद्दत तो इसने की नहीं है, इद्दत से पहले ये शादी कैसे कर लेगी, और भाई ये कर भी सकते हैं बिना इद्दत के शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने इद्दत को अहमियत नहीं दी तो ये लोग शादी को क्या अहमियत देंगे, है ना। तो ये शादी भी ऐसे कब में कर लेंगी, अभी फ़िलहाल नहीं करी है शादी, ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो वहाँ से मुझे यही मिला है कि अभी फ़िलहाल तो शादी नहीं करी है, अभी फ़िलहाल सिर्फ घूमना फिरना हो रहा है रंग बिरंगी लोगों के साथ, पर यह अभी शादी नहीं करी है,
ठीक है, जहाँ तक मुझे पता लगी मैं उतनी ही बात आपको आगे पहुँचाती हूँ। और घूमना फिरना चालू है वो तो हमें खैर दिख ही रहा है, उसमें तो कोई ऐसी छुपी हुई बात हमें नहीं दिखी है, तो अभी घूमने फिरने को लेके तो हम बात नहीं कर सकते ना। तो और दूसरी बात क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, आलमा बीबी के ऊपर आ जाते हैं जी। पहले तो हम ये आलमा बीबी, पता नहीं, मतलब आलमा लोग तो यार ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि सच में चेहरे पे नूर टपकता है, आलमा लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि मतलब हमने भी बड़ी आलमाएँ देखी हैं यार, ऐसी बात नहीं है कि हमने कभी कोई किसी आलमा को नहीं देखा, तो हमने भी बहुत आलमाएँ देखी हैं, पर इन जैसी नहीं देखी, कसम से भाई इनके जैसी मैंने आलमा आज तक नहीं देखी, कि जो दुनिया के सारे फैशन भी कर रही हैं। खैर फैशन, मेकअप, ये सब कुछ उतरा ही औरत के लिए, पर जिस तरह ये कर रही हैं ना, एक्स्ट्रा में सारी चीज़ें कर रही हैं और अपनी झलक दिखलाकर जो वो इठला रही हैं, तो ऐसी आलमाएँ मैंने नहीं देखी हैं। और दूसरी बात ये कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने बोला था कि ना वो जो जीनी की जो दोस्त थी छोटी मैडम की, वो ही थी बीवी। जी हाँ, मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी कि जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि मैंने ये नहीं बोला था ये है इसकी बीवी, मैंने बोला था कि यही होगी इसकी बीवी, क्योंकि ये शादी में भी नहीं दिखी है और ये वैसे भी नहीं दिखी है हमें किसी और फंक्शन में, या घर पे आती जाती नहीं दिखी, बड़ी मैडम के घर पे भी वरना ये ऐसे आती जाती रहती थी, पर हमें वहाँ भी ऐसे नहीं दिख रही है। तो ये लोग लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और ये लोग यही लड़की होगी, मैंने ये बात बोली थी, ठीक है। पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने आकर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बताई कि मैंने उन्हें खुद वॉक करते हुए देखा है, छोटी मैडम थी, उसका शौहर था और वो लड़की खुद, यानी कि इनकी बहूरानी आलमा बीबी। तो आलमा बीबी जो है ना अपनी नन के साथ और अपने शौहर के साथ जो है वॉक कर रही थी घर के बाहर ही, मेरी एक सब्सक्राइबर ने देखा, उन्होंने मुझे DM किया, उन्होंने मुझे बोला था के महासिस वो नहीं है, ठीक है। और रही बात फेस की दिखाने की, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से ढूंढ कर, और इतनी मुश्किलों से मैं ना SS लेकर आई भी थी आप सभी के लिए, ठीक है ना। मतलब मैंने अपने चैनल को, वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सूली पर लटका कर जो है ना मैंने ये कदम उठाया भी था, और मैं वो पिक्चर उसकी SS लेकर मैं आई भी थी, ठीक है। और वो मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाई थी, और वो वीडियो पर क्या हुआ, इन लोगों ने, इनके घर में जितने भी चैनल बने हुए, इन लोगों ने सारे के सारे चैनल से मेरे चैनल पर, इस महामीर वाले चैनल पर मेरे इतनी स्ट्राइकें मारी थी कि मुझे पता है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे मैं बैठ के यहाँ पर डॉलर कमा रही हूँ, पर मेरे चैनल की जो है ना वो अच्छी खासी वाली बैंड बज चुकी थी, ठीक है ना, उससे मैंने कोई डॉलर नहीं कमाए थे, ठीक है। पर फिर भी मेरा ये था कि डॉलर नहीं कमाए तो मतलब मेरा कौन सा घर इस डॉलर पे चल रहा है बोल के, और मैंने कहा नहीं, लेकिन जो बात है, जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, पर मैं उनके लिए ये कुर्बानी भी अगर मुझे देनी पड़ी, और आज भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि अपने चैनल की मुझे ये चीज़ पे कुर्बानी भी देनी पड़ी ना, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी रत्ती बराबर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फ़र्क उनको पड़ता है कि जिनके घर चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर इस पर नहीं चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मैं तस्वीर इनकी SS लेकर आई थी और मैंने अपनी वीडियो पे दिखाया था, आप मेरी वीडियो में जाके देखेगा, वैसे तो मुझे ना याद भी नहीं आ रही कौन सी, शायद उसके थंबनेल टाइटल, क्योंकि मैंने थंबनेल टाइटल भी आप लोग देखेगा मैंने हटा दिए थे, क्योंकि इसी वजह से हटा दिए थे, और मैं इनके फेस भी अभी क्लियर थंबनेल में भी नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि ना ये लोग स्ट्राइक फ़ौरन मुझे मार देते हैं कि हमारी थंबनेल, हमारी पिक्चर यूज़ करी बोल के हम, मेरे को स्ट्राइक मार देते हैं, और बाकी लोगों से इनकी पता नहीं क्या वो है कि किसी को नहीं मार रहे, पर मेरे पीछे ये लोग, मैं इनके पीछे, लोग मुझे बोलते हैं आप तो हाथ धो के पड़ गई ना बाबा, ये लोग मेरे पीछे नहा धो के पड़े हुए हैं सबके सब, ये लोग बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं ना घड़ी की चौथाई के अंदर जो है ना इसका चैनल डिलीट हो जाए या इसका चैनल उड़ जाए किसी तरह, ठीक है। तो मैं लाई पर मेरी वो वीडियो इन लोगों ने ख़राब कर दी, जिसकी वजह से आप देखिएगा बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि महाशीष इसमें तो आपका भी चेहरा ब्लर आ रहा है, तो मैंने वो पिक्चर दिखाई थी ढूंढ के ला के, इनकी पिक्चर वो दुल्हन की दिखाई थी मैंने, मतलब जो बात मैं बोलती हूँ ना तो वो बात मैं करती हूँ, ठीक है। और मैंने 100% श्योर होके ये बात नहीं बोली थी
कि भैया वो उसकी छोटी मैडम की दोस्त ही है, दोस्त ही। मैंने ये बोला था कि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को, वही लड़की होगी और नाम उसका चेंज करके वो हवा हवाई नाम रख दिया उसका, ये हवाए 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 कर रहे हैं, मतलब समझ जाए आप लोग, ठीक है ना। एच हटा के एस लगा देना फिर समझ जाओगे। तो ये लोग नाम चेंज करके बुला रहे हैं, ये लोग पब्लिक को अपनी कंफ्यूज कर रहे हैं, और कंफ्यूज तो ये लोग करते हैं और झूठा भी बहुत अच्छे से बना रहे हैं। खास तौर पे मुझे तो हर बात में झूठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कि मैं जो बात बोलूँ तो वो मेरी बात जो है वो ऐसे झूठी हो जाए और लोग आके मुझे बातें सुना कर जाएँ। तो ये लोग ये चाह ही रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो इनकी जो फिफ्थ जुमागी हुई है ना, उसमें भी इन लोगों ने ये ड्रामा किया है कि इन्होंने ना क्या बोलते हैं, दुल्हन का जहाँ पे फेस दिख रहा था वो वीडियो पहले अपलोड कर दिया, और उसके बाद उसको जहाँ पे उसका फेस एकदम से दिखा ना, उसके बाद इन लोगों ने उसको एडिट कर दिया, जहाँ पे उसका फेस दिखा वो सीन इन्होंने काट दिया, ठीक है। अब दूसरी बात आलमा की आ गई, कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने आलमा बोला। ओ भैया, मैंने आलमा नहीं बोला, सच्ची में मैंने आलमा नहीं बोला कि वो आलमा है। मेरे को क्या मालूम भाई, मुझे क्या मालूम वो आलमा है या हाफिज़ा है, मुझे क्या मालूम। ये इन लोगों ने ही बोला था, ये इन लोगों ने ही बोला था, ये इसने ही ना, चंगू ने खुद जब वो छोटी मैडम का बैठ के इन्होंने जब क्लियर दिया, क्लियर किया था ना सारा बैठ के, कि भाई उसका हस्बैंड कहाँ गया, ये वो फला ढिमका, उस वाली वीडियो में ये लोग ने खुद बोला था कि हमारी क्या बोलते हैं, इसने बोला था मेरी बीवी जो है वो आलमा है, अभी वो आती नहीं है, वो अभी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, उसके बाद वो कैमरे के सामने आएगी। ये उन लोगों के अल्फाज थे, पर आज अगर इन्होंने वीडियो एडिट करके वो अल्फाज भी अपने हटा दिए हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। उस वक्त की मेरी वीडियो में जाकर देखिए, जब मैंने वो वाली वीडियो अपलोड की थी ना, तो उस वक्त बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने कमेंट करके मुझे बोला, अरे महाशीष वो आलमा बोल रहे हैं, अरे महाशीष वो आलमा बोल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट सारे मौजूद हैं, मैं किसी का क्योंकि ना ना तो डिलीट करती ना तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइट करना ना, मैं हाइट शाइट करती किसी को, कोई मुझे अच्छा कॉमेंट करे या बुरा कॉमेंट करे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरी बहनें हैं ना, मुझसे पहले वही, मैं तो फिर मुझे लेट हो जाता है कमेंट देखने में, मतलब मैं चलते फिरते, वैसे टेबल पे पड़ा रहता है ना मोबाइल, चलते फिरते कुछ भी काम कर रही हूँ तो YT स्टूडियो खोल के देख के कमेंट देखती हूँ, हाँ किसका आया, फ़ौरन फ़ौरन लोगों को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेरे, मुझसे पहले मेरी बहनें ही कमेंट में उन लोगों को जवाब दे देती हैं, कि अगर कोई मुझे गलत या मुझे कुछ बुरा भला बोल कर जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरे ऊपर से ये वाली बात हटाइए कि मतलब मैंने बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, ये उनके अल्फाज ही मैं यहाँ पे बैठ के दोहराती हूँ, और अपने सब्सक्राइबर की आवाज़ हूँ मैं सिर्फ, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। और बस भाई आज के लिए बस इतना ही, और दोपहर वाली वीडियो, मतलब जो नाम वाली वीडियो है ना, वो मेरी दोपहर में आएगी इंशाल्लाह। और अब रोज़ाना वीडियो जो है ना, वो 4 बजे एक वीडियो आया करेगी, सुबह में 8 बजे, और एक वीडियो मेरी आया करेगी इंशाल्लाह ताला शाम को 4 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।